अगर आपका पीएमआरपी डिवाइस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वेबसाइट पे वर्क नहीं कर रही तो वो वर्क कैसे करेगी। तो चलिए मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपके पीएमआरपी डिवाइस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में वर्क करेगी। इस वीडियो को आप एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे अपने कंप्यूटर। अगर आप इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस करते हैं तो अपने पीएमआरपी डिवाइस को अच्छे ढंग से इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे पीएमआरपी डिवाइस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वेबसाइट में वर्क करेगी। ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं मरपो आरडी सेटअप, इसे ही आपको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करनी है और कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी और कुछ क्रोम की भी सेटिंग है जिसे, और इसे आप स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि अपने कंप्यूटर में भी आप इंस्टॉल कर पाएँ और वर्क कर पाएँ। इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा जहाँ से आप भी इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में वर्क करने के लिए पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि विंडो 8.1 या विंडो 10 आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। इसके बाद आप माय कंप्यूटर को ओपन करेंगे, फिर आप स्टार्ट मेनू में आएंगे और सर्च मेनू में आप टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल, इसे आप ओपन कर देंगे। जब इस तरह का इंटरफेस दिखे तो आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और पहले से जो भी आप मरपो डिवाइस के आरडी सर्विस और ड्राइवर इंस्टॉल किए होंगे अपने कंप्यूटर में उसे आप पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से मरपो डिवाइस के ड्राइवर को भी आप अनइंस्टॉल कर देंगे। अब आप इस मेनू को क्लोज करेंगे, इसके बाद आप माय कंप्यूटर को ओपन करेंगे, सी ड्राइव को ओपन करेंगे और यहाँ जो दो फोल्डर दिख रहे होंगे मरपो आरडी लॉग, इसके बाद मरपो आरडी सर्विस सॉफ्टवेयर, इन दोनों फोल्डर को आप सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। दोनों फोल्डर रिमूव हो जाने के बाद इसे आप क्लोज कर देंगे इस मेनू को, और जिस सॉफ्टवेयर को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार से डाउनलोड करेंगे उसे आप ओपन करेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे तो वो विनजिप फाइल होगी, तो उसे आप वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस तरह का फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे डबल क्लिक कर दें, फर्स्ट नंबर में जो फोल्डर है मरपो आरडी 2.15 इसे ही आप डबल क्लिक कर दें यहीं पे। ईएक्सी फाइल में भी डबल क्लिक कर देंगे और ये जो आरडी सर्विस की सेटअप है यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे। जब आपकी आरडी सर्विस की सेटअप इंस्टॉल हो जाए फिर आप मरपो डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। ये आप देख रहे होंगे हमारी मरपो डिवाइस की ड्राइवर इंस्टॉल हो रही है। जब आपके मरपो डिवाइस की आरडी सर्विस इंस्टॉल हो जाती और आप मरपो डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद आप इस फोल्डर से थोड़ा बैक आएंगे तो हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड की थी जो फर्स्ट में थी मरपो आरडी 2.15, तो इसके नीचे वाले फोल्डर में आप देखेंगे तो दूसरा फोल्डर जो है वो है प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें और यहाँ से आप तीन फाइल को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्फिग सेटिंग और दूसरा है सर्वर सीआरटी और तीसरा है सर्वर की, इन तीनों को आप सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल की दबा के। अब आप राइट क्लिक करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। अब इस फोल्डर को मिनिमाइज कर दें, फिर से आप माय कंप्यूटर में क्लिक करेंगे, सी ड्राइव को ओपन करेंगे और ये जो फोल्डर है मरपो आरडी सर्विस सॉफ्ट, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने कर्सर को साइड में कहीं भी क्लिक करें, इसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस द फाइल एंड डेस्टिनेशन पे क्लिक कर देंगे और इस मेनू को क्लोज कर देंगे। फिर से आप उसी सॉफ्टवेयर फोल्डर को खोलेंगे जिसे आपने डाउनलोड किया है, ये रहा। यहाँ से तो आपने तीन फाइलों को कॉपी कर लिया जिसे आपने आरडी सर्विस की फोल्डर पे पेस्ट कर दी। अब जिसे कॉपी करना है वो है होस्ट, यहाँ पे आने के बाद आप राइट क्लिक करें और इसे भी आप कॉपी कर लें और होस्ट फाइल को जहाँ पे पेस्ट करना है इसे आप एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब मैं इसे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। फिर से आप माय कंप्यूटर को ओपन करेंगे, सी ड्राइव को ओपन करेंगे और जो सबसे नीचे वाली फोल्डर होगी विंडोज जो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे System32, तो ये रही हमारी System32, यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें। अब जो फोल्डर आपको ओपन करनी है वो है ड्राइवर्स, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें। इसके बाद आप ATC पे डबल क्लिक कर देंगे। एक बार सभी फोल्डर को फिर से देखेंगे जिसे आपको ओपन करनी है, माय कंप्यूटर, लोकल ड्राइव सी, विंडोज, System32, ड्राइवर्स, इसके बाद ATC। जब यह फोल्डर ओपन हो जाती तो जहाँ भी आपको खाली स्थान लगे
तो वहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, इसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर से आप रिप्लेस द फाइल एंड डेस्टिनेशन पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब होस्ट फाइल भी पेस्ट हो जाती है तो आपकी आरडी सर्विस की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे आप क्लोज कर दें। अब जो सेटिंग करनी है वो है गूगल क्रोम ब्राउज़र की, तो आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ जो साइड में तीन बिंदी दिख रही होगी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप हेल्प के मेनू पे आएंगे और अबाउट द क्रोम पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके गूगल क्रोम के ब्राउज़र अप टू डेट नहीं है तो यहाँ से आप अप टू डेट कर लेंगे इस ब्राउज़र को। जब आपके गूगल क्रोम के ब्राउज़र अप टू डेट हो जाए तो फिर आप एड्रेस बार में लिखेंगे क्रोम कोलोन डबल स्लैश और फ्लैक्स। जब यह टाइप कर लेते हैं आप क्रोम कोलोन डबल स्लैश फ्लैक्स, फिर आप इंटर कर देंगे। जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे सर्च फ्लैक्स देखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दें इनवैलिड। जैसे ही आप इनवैलिड लिखते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगी, अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्स लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट। अगर आपकी यह मेनू डिसेबल हो तो यहाँ से आप इनेबल कर देंगे। फिर आप रिलॉन्च नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी गूगल क्रोम की जो ब्राउज़र होगी वो फिर से रिस्टार्ट होगी। अब आप चेक करके देखेंगे कि क्या आपकी मर्फो डिवाइस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वेबसाइट पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए आप पहले डिजिटल सेवा की पोर्टल को ओपन कर लें। जब डिजिटल सेवा की पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं, अब आप सेकेंड मेनू में pmjay.cscloud.in की वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि आपका मर्फो डिवाइस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से किसी का भी एक राशन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। अब आप सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे। जब PDS फैमिली लिस्ट शो करने लगे और जिनका KYC करना हो तो उनके सामने कलेक्ट KYC पे आप क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट एडिट ऐप में आधार को सिलेक्ट कर लेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप में आप सेलेक्ट मोड में फिंगरप्रिंट ले लेंगे, फिर आप स्क्रॉल को थोड़ी डाउन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी मर्फो डिवाइस 100% वर्क करने लगी है। अब मैं यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालता हूँ और कैप्चर बायोमेट्रिक करके देखता हूँ कि हमारी मर्फो डिवाइस की लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। तो जैसे ही मैं कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ तो हमारी मर्फो डिवाइस की लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे फिंगर डाल के देख रहा हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से मर्फो डिवाइस की ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर और कैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए इसे कॉन्फ़िगर करना है अपने कंप्यूटर में। अगर हमारे इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।